नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका मेरा गांव मेरा देश में। यूपी सरकार की डायल 102 एम्बुलेंस सेवा कर्मचारियों के अय्याशी का साधन बन गई है। जी हां, ये तस्वीरें आ रही हैं सोनभद्र से, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला सोनभद्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मधुपुर पर तैनात डायल 102 एम्बुलेंस का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में 15 अगस्त यानी कि आजादी के दिन स्वास्थ्य केंद्र के कुछ डॉक्टर और कर्मचारी पिकनिक मनाने के लिए सोनभद्र से सटे चंदौली जिले के गहिला बाबा पिकनिक स्पॉट पर सरकारी एम्बुलेंस में सवार होकर पहुंचे थे। वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, एम्बुलेंस यहां पर खड़ी हुई है और घंटों यहां पर पार्टी चलती रही। ये पिकनिक स्पॉट है जहां पर एम्बुलेंस आपको नजर आ रही है। इस दौरान डायरेक्ट 112 को भी कॉल किया गया और कोशिश की गई कि यहां पर पुलिस आए और देखे, लेकिन ऐसी तस्वीर अभी तक निकलकर सामने आई नहीं है। लेकिन 102 नंबर की जो एम्बुलेंस आप देख रहे हैं, ये जरूर यहां पर नजर आ रही है। सरकारी एम्बुलेंस कई घंटों तक यहां पर रही अपने जिले से बाहर, कर्मचारी यहां जिले से बाहर रहे, निजी सेवा में उपयोग होती रही, लेकिन कोई देखने सुनने वाला नहीं था। आपको बता दें कि स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात डायल 102 एम्बुलेंस सरकार की तरफ से प्रसव के समय प्रसूता नवजात शिशुओं को इमरजेंसी अवस्था में अस्पताल पहुंचाने, अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए 24 घंटे सेवा देने के लिए रहती है। ऐसे में घंटों तक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से एम्बुलेंस को संबंधित कर्मियों के द्वारा अपने निजी स्वार्थ से मौज मस्ती पिकनिक पार्टी के लिए उपयोग किया गया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर हड़कंप भी मचा हुआ है। क्षेत्र जनता की माने तो उस पर हास्य और व्यंग करते हुए कुछ लोगों का कहना है कि अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पार्टी और पिकनिक मनाने के लिए भी एम्बुलेंस सेवा दे रही है। हालांकि न्यूज वर्ल्ड इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इसकी जांच पड़ताल जरूर हम करेंगे। फिलहाल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो से कहीं ना कहीं सोनभद्र की स्वास्थ्य सेवा जो है और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, एक बार फिर से इसकी पोल खुल गई है। कहा जाता है कि सोनभद्र की स्वास्थ्य सेवा जो है वो पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है। तो वहीं कुछ लोगों की माने तो स्वास्थ्य विभाग का एम्बुलेंस से संबंधित ऐसा कारनामा पहला नहीं है, बीते सालों में भी ऐसे कई कारनामे सामने आ चुके हैं। सूत्रों की माने तो सोनभद्र में चल रही अधिकांश सरकारी एम्बुलेंस पब्लिक की सेवा से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों की सेवा में लगी हुई है। इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। जी, अभी मेरे संज्ञान में आया है, मैंने इसको वीडियो की तहकीकात करा रहा हूं, मैं दिखवा रहा हूं। अगर ये हमारे जिले का है तो संबंधित कर्मचारी को और उसके जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई किया जाएगा। सर, क्या जिम्मेदार अधिकारी है उनके ऊपर भी इस बार कार्रवाई होगी कि सर पिछले साल की तरह ही, मतलब ड्राइवर नहीं? बिल्कुल, जो भी व्यक्ति जो है इसका जिम्मेदार होगा उस पर कार्रवाई अवश्य होगी। मौज मस्ती करते हुए नजर आए हैं। जिले में चल रही लचर व्यवस्था पर बार बार सवाल उठाने पर संबंधित विभाग के उच्च अधिकारी व्यवस्थाओं को सुधारने की बजाय जांच के नाम पर भ्रष्टाचार में भागीदार होकर मामला सेट करने में ज्यादा जोर देते नजर आते हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें, ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो पर अभी तक किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, लेकिन वाकई सवाल उठता है। जहां एक तरफ स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लगातार लचर होती हुई नजर आ रही है, रोजाना जिले से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ जाती हैं, तो दूसरी तरफ 102 जो कि प्रसूता नवजात शिशुओं को लाने के लिए और उसके बाद घर पहुंचाने के लिए होती है, वहां पर इसका निजी इस्तेमाल किया जा रहा है। और खुद कर्मचारी, कुछ डॉक्टर्स भी बताए जा रहे हैं कि इसमें मौजूद थे और ये अपने जिले से बाहर यानी कि चंदौली में काफी समय तक रही, लेकिन कोई देखने सुनने वाला नहीं था। तो सोनभद्र की चुस्त और दुरुस्त स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलती हुई नजर आ गई है। ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से यूपी सरकार की जो एम्बुलेंस है कर्मचारियों की अय्याशी का अड्डा बनी हुई है और पिकनिक स्पॉट पर ये मौजूद है। और ये पहला वीडियो नहीं है, कुछ सूत्रों की माने तो उनका कहना है कि इस तरह के कई कारनामे पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। मेरे सहयोगी शशिकांत सिंह सोनभद्र से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। शशिकांत, एम्बुलेंस
किस लिए होती है, ताकि जिसे इलाज की ज़रूरत है उसे बेहतर इलाज जल्द से जल्द मिल सके। वो लोग जिनके पास खुद के निजी वाहन नहीं है वो एम्बुलेंस का सहारा लेते हैं, इमरजेंसी में एम्बुलेंस बुलाई जाती है ताकि अस्पतालों तक पहुंचाया जाए। 102 एम्बुलेंस का जिक्र मैं कर रही हूँ, ये प्रसूता के लिए होती है, इमरजेंसी के लिए होती है, लेकिन ये एम्बुलेंस तो मुझे कहीं अस्पताल के बाहर तो नज़र नहीं आ रही है, ये एम्बुलेंस तो मुझे किसी पार्क में नज़र आ रही है। क्या पार्क में एम्बुलेंस की ज़रूरत थी 102 की? मैम जैसा कि आप वीडियो में देख रही हैं, ये एक गहिला बाबा स्थान है जहाँ पे वाटरफॉल टाइप का कुछ है और यहाँ पे ये एक बीचों बीच जंगल में है। सोनभद्र से सटा हुआ ही चंदौली का बॉर्डर है। सोनभद्र दरअसल तीन राज्यों से घिरा हुआ है, तीन राज्यों से इसकी बॉर्डर टच होती है और ये दो जिले तीन जिले से भी टच होता है उत्तर प्रदेश के। तो ये जो है चंदौली का इलाका है। मधुपुर स्वास्थ्य केंद्र पे ये एम्बुलेंस जो है तैनात रहती है। तो 15 अगस्त के दिन ये जो है कि देखा गया सूत्रों की माने तो कुछ डॉक्टर और कुछ लोग मिलके इस एम्बुलेंस को अपने निजी मौज मस्ती के लिए लगभग स्वास्थ्य केंद्र से कुछ दूरी पर जंगल में ले जाके इसको पिकनिक पार्टी के रूप में इस्तेमाल किए और बकायदे वहां पिकनिक मनाया गया और घंटों तक एम्बुलेंस जंगल में खड़ी रही। और इस दौरान अगर कुछ लोगों की माने तो कई सारी प्रसूता मतलब कई सारे केसेस हुए हैं, जिसमें एक दो केस ऐसे हुए हैं जो डिलीवरी के लिए माताएं थी उनको जो है कि टेम्पू का सहारा लेके स्वास्थ्य केंद्र पर जाना पड़ा और ऑर्डर्सगंज जाना पड़ा और प्राइवेट अस्पताल में जाना पड़ा। तो यानी कहा जा सकता है कि चाहे जितनी मर्जी सरकार कोशिश कर ले उन लोगों को सेवाएं देने की, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा हो, चाहे वो कोई भी सेवा हो, कोई भी सुविधा हो, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी हैं, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जो पूरी तरह से इन सभी पर पलीता लगा देते हैं। कुछ ऐसी तस्वीर हम कह सकते हैं सोनभद्र से जो सामने आई है, शशिकांत? देखिए मैम, अगर बात किया जाए सरकारी अमला की, अगर बात किया जाए स्वास्थ्य विभाग की, सोनभद्र के स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग का जो कारनामा है वो जगजाहिर हो चुका है, जगजाहिर है और पिछले कई महीनों से जो है कि चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले जो है कि एक नोटिस जारी हुआ था, सर्कुलर नोटिस जारी हुआ था डीएम साहब की, क्यों ना कुछ डॉक्टरों को सेवानिवृत्त कर दिया जाए, क्योंकि वो 12-13 जो डॉक्टर हैं वो कभी स्वास्थ्य केंद्र पे अपनी ड्यूटी ही नहीं गए और गायब रहे। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो जिले अस्पताल की बात किया जाए तो व्यवस्था इतनी अच्छी है कि अगर आज अगर व्यक्ति अगर वहां अल्ट्रासाउंड कराने जाएगा तो उसका नंबर 20 दिन बाद आएगा, 15 दिन बाद आएगा। अच्छा। और अगर अगर उसको अगर और कोई टेस्ट कराने जाना है तो आज वो टेस्ट, वो मतलब बीमारी से ग्रसित है लेकिन इमरजेंसी में उसके टेस्ट वहां नहीं हो पाएंगे, बहुत सारे मतलब टेस्ट। शशिकांत, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, जिला अस्पताल इसलिए होता है ताकि जिले के हर वो तबका आ सके जिसे इलाज की दरकार है, जिसे इलाज की जरूरत है, ताकि दूसरे जिले में ना भटकना पड़े। यही मंशा है ना सरकार की कि दूसरे जिलों में, दूसरे शहरों में ना जाना पड़े, दूसरे राज्यों में ना जाना पड़े, वो बेहतर सुविधा मिल सके लोगों को अपने ही जिले में। जी जी, सरकार की मंशा एकदम साफ है। माननीय मंत्री जी भी यहाँ पे आ चुके हैं, ब्रजेश जी भी कई बार, ब्रजेश पाठक जी भी कई बार इन लोगों को जो है कि चेतावनी पे चेतावनी देते गए हैं, लेकिन हमारा महकमा जो है सुधरने का नाम नहीं लेता है। और जो है कि अगर देखा जाए कि अगर अश्विनी कुमार सीएमओ है, उनको हम फोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके द्वारा डायल, फोन काट दिया गया। शशिकांत, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि जो सीएमओ है उनसे हम बातचीत कर सके, उनसे पूछ सके कि उन्होंने क्या एक्शन लिया इस पर, लेकिन फोन नहीं उठा रहे हैं। ये जिम्मेदार है और हमेशा ऐसा ही होता है, जब जिम्मेदारों को फोन करो तो फोन नहीं उठाते हैं या तो ये बिजी होते हैं। अगर इतना काम कर रहे हैं जिम्मेदार तो फिर ऐसी तस्वीरें सामने क्यों आ रही है, क्यों इन पर एक्शन नहीं लिया गया अब तक? देखिए मैम, अगर एक्शन की बात किया जाए तो अभी तक मेरे जो जानकारी में आया है वो केवल जानकारी में आया है, कोई मतलब लिखित रूप से कोई ऐसा चीज विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, लेकिन सुनने में आया है कि संबंधित की जांच की जा रही है और उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो जांच का जो मतलब ये जो जांच का जो विषय है, अक्सर मामलों में जांच करने का हवाला देके मामले को एक दो महीने तीन महीने के लिए लटका दिया जाता है और पब्लिक शांत हो जाती है, किसी को कुछ नहीं मालूम चलता है और चुपके चुपके दूसरे गलियारे से मामले को कहीं ना कहीं लीपापोती करके हटा दिया जाता है। जांच का खेल सोनभद्र में बहुत ज्यादा चलता है। अगर सीएमओ की मैं बात करूं, जो डॉक्टर अश्विनी कुमार है उनकी कार्यशैली कैसी है? ठीक है शशिकांत, वापस लौटूंगी। अनिल कुमार मौर्य हैं, बीजेपी विधायक हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अपने क्षेत्र में वो किस तरह से सक्रिय हैं। अनिल कुमार मौर्य साहब, बीजेपी विधायक,
आप जिस व्यक्ति को कॉल कर शशिकांत फिर से फोन नहीं उठाया गया, विधायक साहब भी फोन नहीं उठा रहे हैं, उनके क्षेत्र में क्या कुछ हो रहा है, किस तरह की परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं, सरकारी चीजों का किस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है प्राइवेट तरीके से, इस पर कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है क्या? कोई यही तो विडंबना है, आपने कहा कि इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे वीडियो सामने आ चुके हैं, अगर पहले भी वीडियो सामने आए तो बार बार क्यों आ रहे हैं? यानी कि लचर व्यवस्था है पूरी, कोई देखने कहने सुनने वाला नहीं है। यही तो विडंबना है हमारी, यही तो विडंबना है इस जो जनपद की, ये जनपद जो है कि उत्तर प्रदेश का अति पिछड़े जिले में आता है, और ये जनपद बिहार से, मध्य प्रदेश से और छत्तीसगढ़ से इस जनपद की सारी सीमाएं सटी हुई हैं, और लेकिन अति पिछड़ा जिला में आता है, और जंगल जो है कि यहाँ पे है, इंडस्ट्रियल एरिया है, सब कुछ है, लेकिन आज भी आजादी के इतने दिनों के बाद में, वर्ष 77वां वर्षगांठ मना रहा है हमारा देश आजादी का, लेकिन मूलभूत सेवाओं से इस कदर गुजरता है यहाँ का आदमी, आम आदमी। आजादी वाले दिन ही इस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आ गई है, क्या ये कर्मचारियों ने डॉक्टर से क्या सोचा कि आज सब आजादी का जश्न मना रहे हैं तो किसी की नजर नहीं जाएगी? आम जनता तो है ना, आम जनता भी तो पोल खोलेगी ना अगर कहीं कुछ गलत हो रहा है तो। वापस लौटूंगी शशिकांत, डॉक्टर गुरु प्रसाद मौर्य मेरे साथ जुड़े हैं, पूर्व नोडल अधिकारी हैं, तो फोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसी कोई तस्वीर सामने जो आई है उस पर इन्होंने कोई रिएक्शन दिया। शशिकांत कोई भी फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है, शायद हो सकता है कि बहुत ज्यादा बिजी हो, क्योंकि चुस्त दुरुस्त व्यवस्था जो सोनभद्र में है स्वास्थ्य सेवाओं की, वो तो दिखाई दे रही है, वीडियो में भी दिखाई दे रही है, आप भी बता रहे हैं कि कितना यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम बिल्कुल चकाचक है, एकदम अस्पताल बिल्कुल स्वच्छता पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, मरीजों पर कितना ध्यान दिया जा रहा है, एम्बुलेंस में एम्बुलेंस तत्पर है 24 घंटे लोगों के लिए, भले ही पिकनिक मना रही है एम्बुलेंस। मैं आपको बता रहा हूं मैम कि ये जो नोडल अधिकारी पूर्व थे डॉक्टर गुरु प्रसाद, ये नोडल झोला छाप के भी थे, और इनके पास ये भी था, एम्बुलेंस का भी चार्ज था। इनके जमाने में कहा जाता था, लोग कहते थे कि बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइप के ये अधिकारी हुआ करते थे, और इनके जमाने में कोई भी कर्मचारी और कोई भी झोला छाप डॉक्टर या कोई भी ऐसा अवैध अस्पताल संचालक या एम्बुलेंस के कर्मचारी अपने ड्यूटी से इधर से उधर नहीं कर सकते थे, ये पूरे जिले में फेमस थे इस बात को लेके, काफी स्ट्रिक्ट थे। अब हालांकि इस समय ये नोडल पद से नहीं है, इनको हटा दिया गया है, हालांकि वो अलग का विषय, लेकिन ये जान लीजिए कि ये है हाल, यहाँ पे कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। अगर सोशल मीडिया या मीडिया इतना एक्टिव नहीं होता तो शायद यहाँ की दशा कुछ और होती। हालांकि आप देख ही रही हैं, बार बार फोन मिलाने पे भी स्थिति यह है कि कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, सुनिए, ये वीडियो वायरल हो चुका है, इस पर प्रतिक्रिया कैसी आ रही है आम लोगों की? आम लोगों की प्रतिक्रिया यही आ रही है, अभी हम लोग अगर जाए इधर उधर किसी से, अगर आस पास की माने तो लोगों का कहना है कि सरकार पिकनिक मनाने के लिए एम्बुलेंस भी दे रही है, अब इससे बड़ा क्या चीज है, अब क्या चाहिए अब लोगों को, लीजिए अच्छे दिन आने थे और अच्छे दिन आ गए हैं हमारे, पिकनिक मनाने तक का भी ख्याल रख रही है सरकार। और ये वीडियो में जो कुछ लोग नजर आ रहे हैं, क्या ये कर्मचारी है या वहां पर कुछ आम जनता थी वो लोग हैं? उसमें से एक दो कर्मचारी भी होंगे, और जो आम जनता, वहाँ काफी भीड़ लगती है, वो गहिला बाबा है, एक स्थान है वहाँ पे, हिंदू धर्म के अनुसार एक मतलब बाबा बोले जाते हैं जंगल में, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए ही जाते हैं। ठीक है शशिकांत, क्या कोई परमिट मिला था कि एम्बुलेंस को आप निजी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कोई इनके पास कुछ ऐसी? नहीं मैम, कोई परमिट इस तरीके का हो ही नहीं सकता ना, होता ही तो नहीं है। यहाँ पर क्या किसी भी सरकारी कैसे, किसका संरक्षण इन्हें मिल रहा है, किसकी शह पर ये, क्यों सरकारी वाहनों का, एम्बुलेंस जैसा वाहन का इस्तेमाल वो कर रहे हैं पिकनिक स्पॉट पर जाने के लिए? देखिए, सोनभद्र बहुत बड़ा जिला है, बड़ी आबादी है, और जिस क्षेत्र में ये एम्बुलेंस जाती है वहां पर भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी, प्रसूता होंगी, जिन्हें जरूरत होगी इस एम्बुलेंस की, लेकिन वो नहीं थी। ये दूर दराज में बसे कई गांव का इलाका है सोनभद्र में, कोई गांव लगातार। ठीक है शशिकांत, यहाँ मैं रोकूंगी आपको, विपिन तिवारी जी मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी मीडिया प्रभारी सोनभद्र से, क्या मेरी बात हो रही है विपिन तिवारी जी से? जी नमस्कार, मैं विपिन तिवारी बोल रहा हूँ। सर,
अगर यहाँ पर सोनभद्र की मैं बात करूँ तो एक वीडियो वायरल हो रहा है, शायद आपने भी देखा होगा सर वो वीडियो। पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल पर आपको कहना चाहूंगा जी। और आप लोगों ने अच्छा काम किया है चैनल के माध्यम से। अगर इस तरीके की कोई भी चीजें जो सार्वजनिक हो रही हो, जो जनता के हित में सरकार द्वारा चीजें जैसे एम्बुलेंस है, ये जनता के हित में दिया गया हो और इन चीजों का स्वयं के उपयोग या पार्टी पिकनिक के लिए किया जा रहा है, आपने इसमें शासन और उच्च अधिकारियों के नॉलेज मिला के अच्छा काम आप लोगों ने किया है। इस प्रकरण में मेरी बात डायल 102 एम्बुलेंस का जो मीडिया पर सोशल मीडिया के माध्यम से हमको भी जानकारी मिली है कि कुछ इस प्रकार से एम्बुलेंस एक है जो अपने जिला से हटके किसी दूसरे जिले में जाके पिकनिक मनाने का काम कर रही है। हम लोग को सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी जानकारी मिली है। इसमें हमारी बात सीएमओ साहब से भी हुई है और उस अधिकारियों से बात हुई है। ऐसे कर्मचारी और ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाएगी जो शासन के अनुरूप जाके। अच्छा, इसमें थोड़ा सा होता क्या है, कर्मचारियों के साथ साथ जो कुछ अधिकारी है, अधिकारियों का भी ये दायित्व होता है कि वो अपने कामों को अपने जो दायित्व है, जो उनका कार्य है, वो सुचारू रूप से करे। जैसे 3 से 4 घंटे का समय, जैसे अपने जिले से, एक बात करना चाहूंगा, अपने जिले से अगर दूसरे जिले में कोई गाड़ी जा रही है, एम्बुलेंस में जीपीएस लगा जाता है, तो अधिकारी जो होते हैं उनको भी ये जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये 3-4 घंटे के अंतराल एम्बुलेंस वहाँ पहुंची कैसे, वो अधिकारी क्या कर रहे हैं, जिनके जैसे जैसे आप जीविका जो संस्था है, ये एम्बुलेंस पूरा जो है ये इन्हीं लोगों के माध्यम से काम कर रही है एम्बुलेंस सेवाएं। तो जीविका के जो अधिकारी, उनसे भी मेरी बात हुई है कि आखिर आपके अधिकारी क्या कर रहे हैं कि हमारे जिले की एम्बुलेंस दूसरे जिले में चली जा रही है और उसमें जीपीएस लगा हुआ हो, इसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसका मतलब मैं मेरी बात हुई है अधिकारी से भी है और कर्मचारियों से भी, अगर ऐसे लोगों पे सख्त सख्त हम लोग कार्रवाई कराएंगे जो शासन की गरिमा को धूमिल कर रहे हैं, जो शासन के ऐसे जो जनहित में दिए हुए जो सामग्री है, चाहे किसी प्रकार की सुचारू सुविधाएं हैं, जो अपने स्वयं के उपयोग कर रहे हैं, तब तक हम लोग शासन से मिलकर इनके ऊपर कार्रवाई कराने का काम करेंगे। ठीक है विपिन जी, आपने सारी बातें कह दी, आप कह रहे हैं कि आप एक्शन लेंगे, बहुत अच्छी बात है, एक्शन होना भी चाहिए, लेकिन आपने कहा कि जीपीएस लगा, उसके बाद भी अधिकारियों की क्या जिम्मेदारी नहीं थी, क्या कर्मचारी के इतने इनके हौसले कैसे बुलंद हो गए कि सरकारी सेवा में इस्तेमाल, आप एम्बुलेंस, आप पिकनिक स्पॉट पर जाकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, सीएमओ कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, ऐसे बहुत सारे वीडियो पहले भी आ चुके हैं, मेरे सहयोगी लगातार बता रहे हैं, इससे तो पूरे क्षेत्र की छवि खराब हो रही है ना सर। कि अभी हम लोगों को जानकारी हुई है और आज से पहले भी हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने एक सीएमओ तक को निहार सोनभद्र के पूर्व सीएमओ को निलंबित किया है, नोडल अधिकारी को उसने निलंबित किया है और इसके बाद वर्तमान में नोडल अधिकारी है गुलाब यादव जी, अब ये कार्य सुचारू रूप से कार्य को देख रहे हैं और हम लोगों के भी मैटर संज्ञान में आया है। मैम इससे सख्त सख्त कार्रवाई नहीं, मैम इससे सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो हमारे शासन की छवि को, सरकार की छवि को धूमिल करने का काम ऐसे कर्मचारी कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई कराई जाएगी। ठीक है विपिन तिवारी जी, स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के, डिप्टी सीएम भी है बृजेश पाठक, लगातार दौरा करते हैं और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिल सके इसके लिए वो लगातार निरीक्षण करते हैं, ऐसी तो बहुत सारी तस्वीरें हमारे पास सामने आ रही है, उसके बावजूद क्षेत्र में हाल ये हो रहा है, इसका मतलब कोई देखने वाला नहीं है, ये बात आपको माननी पड़ेगी विपिन तिवारी जी। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है और शासन इस पे काम कर रही है, सरकारें, हमारी मुख्यमंत्री जी जगह जगह पे दौरा कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी भी दौरा कर रहे हैं और जैसे जगह जगह पे ऐसे कर्मचारी है या अधिकारी है, उन पर कार्रवाई भी करने का काम ये शासन के द्वारा किया जा रहा है। आप स्वयं देख सकती है कि अभी हाल में 2 से 2.5 महीना पहले, 1.5 से 2 महीने पहले सोनभद्र सीएमओ के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, तो ऐसा नहीं है कुछ अधिकारी है, कर्मचारी भी है, जो पता नहीं हो सकता है कि कुछ विपरीत विचारधारा के लोग हो जो शासन की छवि को धूमिल कर रहे हैं, लेकिन हमारे आप जैसे न्यूज चैनल के माध्यम से और जो समाज सेवी लोगों के माध्यम से, जनता के माध्यम से, शासन को, हम लोगों को जैसे जो भी जानकारी इस तरीके की प्राप्त होती है, उस पर हम लोग बात करके और गंभीरता से लेते हुए इस प्रकरण की सही जांच करा के उस पर कार्रवाई कराने का काम करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे मैम। और हम लोग स्वास्थ्य रिलेटेड भी सेवाएं, अब देखिए हमारे यहाँ जैसे आंगनबाड़ी है, सारी चीजें हैं, तो अब तो जगह जगह पे हम लोग गाँव गाँव में कैंप लगा के भी उसमें स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारू करवाने का काम करवा रहे हैं। और मैं इससे जल्द से जल्द, हमको लगता है कि 2 से 3 दिन के अंदर इसमें कार्रवाई पूरी तरह। ठीक है सर, फिर 2 से 3 दिन बाद आपको फोन करूंगी, मेरे सहयोगी भी आपके पास आएंगे, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो आप
फिर आप जवाब देंगे आपकी है सर। ओके मैम, ओके नहीं शासन में ऐसे लोगों को, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आप इस चीज को देख रहे हैं, जल्द से जल्द हम लोग ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई करवाएंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शशिकांत, विपिन तिवारी जी हमारे साथ जुड़े थे, मीडिया प्रभारी है सोनभद्र से बीजेपी के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हाँ उनके संज्ञान में पूरा मामला आया है, एक्शन हम लेंगे, कार्रवाई होगी, सीएमओ से उन्होंने बात की है, आगे भी उच्च अधिकारियों से बात करेंगे, 2 से 3 दिन का समय दिया है उन्होंने, कितना विश्वास किया जाए? नहीं, जाहिर सी बात है मैम, अगर अगर मामला अगर इस तरीके के ये युवा नेता हैं, लोग कर्मठ नेता है, अगर इन लोगों के जानकारी में कोई बातें आती हैं तो इस पे एक्शन होता है, इस बात का प्रमाण है, एक दो प्रमाण है कि होता है, लेकिन जब तक क्या होता है कि जब हम ये चाहते हैं, हम ये आपसे बोलना चाहते हैं कि बताइए मैम, जब तक कोई बातें मीडिया में नहीं आ जाए, जो जिस बातों पे हो हल्ला ना हो जाए, तब तक ये लोग जो है कि ऐसे कर्मचारी और ऐसे जो है कि अधिकारी नींद से नहीं जागते जब तक ऐसा मामला वायरल ना हो जाए। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि ये अति पिछड़ा जिला है, शिक्षा का भी थोड़ा अभाव है, अगर पब्लिक इतनी जागरूक ना हो तब तो ये लोग मतलब पूरा जिला ही बेच दे। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही है और वाकई इस पर एक्शन होना चाहिए, हालांकि आश्वासन हमें मिला है। शशिकांत, आप इस पूरी खबर पर नजर रखिएगा, उनके पास जाइएगा, विपिन तिवारी जी के पास, कि उन्होंने क्या एक्शन लिया है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि सीएमओ क्या कर रहे हैं, इस पर जिम्मेदारी सीएमओ की है, क्या उनसे आपकी बात हुई, क्या कहना था उनका शशिकांत? जी मैम, सीएमओ अश्विनी कुमार जी हैं यहाँ पे, पूर्व सीएमओ पे जो पहले के सीएमओ थे उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई थी सरकार के द्वारा, उनको हटाया गया था, और जो अभी सीएमओ आए हैं ये जो है कि जब से आए हैं तब से एक्शन मोड में तो हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि गाड़ी का अगर समझिए इंजन मजबूत है लेकिन उसके चारों टायर अगर कमजोर हैं तो गाड़ी कितनी दूर तक जा सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि सीएमओ मजबूत हैं लेकिन इनके जो हाथ पैर हैं, जो इनको जो जो चलाते हैं पूरे सिस्टम को, वो लोग इस तरीके से वर्क कर रहे हैं जो सरकार की छवि पूरी तरीके से डूबने की मतलब फिराक में है, हमको तो लग रहा है। शशिकांत, इसके अलावा देखिए पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी है, अभी भी आ रही है, तो अभी हमें या तो, ठीक है शशिकांत वापस लौटूंगी। अनिल कुमार मौर्य मेरे साथ जुड़े हैं, बीजेपी विधायक हैं। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो जी। हाँ सर, मैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया से बात कर रही हूँ, अनिल कुमार जी से मेरी बात हो रही है। फोन काट दिया शशिकांत, अनिल कुमार मौर्य से आपको फोन किया, फोन उठाया था उन्होंने लेकिन फोन काट दिया। ये जो विधायक है ये कितने सक्रिय है अपने क्षेत्र में, ये मैं जानना चाहूंगी आपसे। ये तो पब्लिकली किसी दिन किसी खास खबर में हम जुड़ेंगे। ठीक है, एक बार फिर से हमने फोन, क्या मेरी बात हो रही है अनिल कुमार मौर्य साहब से? हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो सर, मैं आपको सुन पा रही हूँ, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? ठीक है, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ टेक्निकल इश्यू है, दोबारा से हम फोन मिलाएंगे, दोबारा से उनसे जानने की कोशिश करेंगे। शशिकांत, हाँ मैं ये जानने की कोशिश कर रही थी कि अपने क्षेत्र में कितने सक्रिय हैं, क्या कभी जिला अस्पताल जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर व्यवस्था कैसी है, अपने क्षेत्र में लोगों को क्या सुविधा मिल रही है, 102 एम्बुलेंस के कर्मचारियों से कभी क्या बात करते हैं? मैम ऐसे तो कोई वीडियो, ऐसे कोई तस्वीरें नहीं आई हैं अभी सामने, हालांकि जो चर्चित विधायक हैं और कई पंचवर्षीय लगातार विधायक हैं, अनिल कुमार मौर्य जी का जो है कि घोरावल विधानसभा में काफी अच्छा वर्चस्व माना जाता है, बीजेपी के जो है कि ये कद्दावर जो है कि नेता हैं, पहले बीएसपी से आए हुए हैं ये और लगातार बीजेपी के कई बार विधायक चुने गए हैं। ठीक है शशिकांत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, आप नजर बना के रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेती रहूंगी। तो सोनभद्र का ये पूरा मामला है जहां पर 102 एम्बुलेंस जो है वो मरीजों के लाने की जगह, उन्हें घर ले जाने की जगह पिकनिक स्पॉट पर देखी गई है, कई घंटों तक वहां खड़ी रही और निजी इस्तेमाल उसका किया गया है, इस पर एक्शन लेने की बात की जा रही है, लेकिन कब तक एक्शन होगा इसका इंतजार है। फिलहाल इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।